आज की रेसिपी है मसालेदार पाव, चटपटा, बहुत ही स्पाइसी। तो चलिए देखते हैं क्या-क्या हमने इंग्रेडिएंट लिया है। मसालेदार पाव बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और इसमें ऑयल डाल करके चॉप किया हुआ प्याज डाल देते हैं। बंदा गोभी डाल देंगे एक कटोरी। जो जो सब्जियां हैं वो बहुत ही महीन कटा होना चाहिए, क्योंकि हम इसे बॉयल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली पका रहे हैं। बीन्स शिमला मिर्च गाजर स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे और इसे हम ढक करके पका लेते हैं। अब हम इसमें एक कटोरी मटर मिला देंगे जो कि बॉयल की हुई है। टमाटर चॉप किया हुआ, सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें हम मसाले डाल देते हैं, तो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये पाव भाजी मसाला है, भाजी मसाला। गरम मसाला थोड़े से पानी डाल करके हम मसाले को भून लेते हैं। इससे मसाला भी भून जाएगा और सब्जियां भी सॉफ्ट हो रही हैं भून करके। अब इसमें हम उबला हुआ आलू मिला देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इस तरह से ये मसालेदार नहीं बनेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो कढ़ाई से हम तवे पे इसको मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पानी डाल देते हैं। सब्जियां पक चुकी हैं लेकिन अभी मिली नहीं है मसाले जैसी, तो हम तवा ले लेते हैं और इसमें हम मिक्सचर को डाल देंगे। इसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं, बटर मिला देंगे और इसे मैशर से मैश कर देंगे। अच्छी तरह से इसे पेस्ट तैयार कर लेना है, क्योंकि हमने जो सब्जियां यूज़ की है वो चॉप किया था, बॉयल नहीं था, और उसका टेस्ट अलग आता है और इस सब्जी का अलग टेस्ट आएगा। तो अच्छी तरह से हम पानी डाल के इसको मिला देते हैं।
सब्जी अच्छी तरह से तो और इसे पानी डाल के थोड़ा सा इसकी थिकनेस को कम कर देंगे। अब हम एक तवा लेते हैं दूसरा और पाव को सेक लेंगे बटर डाल करके। हर साइड से इसे हम सेक लेते हैं। चाकू से इसे बीच से हम कट कर लेंगे। आधा काटना है, पूरा नहीं काटना है इसे, क्योंकि हम जो मसाले तैयार किए हैं उसमें हम फिल करने वाले हैं। इस तरह से हम चम्मच से मसाले भर देंगे इसमें। ऊपर से हम चीज़ क्रश कर लेते हैं। हमारा मसाले वाला पाव तैयार हो गया है। चलिए गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इसके साथ सैलड और नींबू। तो कमेंट में ज़रूर बताना आप कैसा लगा ये मसालेदार पाव।